हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लक्की बर्ड्स लवर। और दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हमें अपने बर्ड्स की कैल्शियम की ज़रूरत को कैसे पूरा करना है और हम अपने बर्ड्स को कैल्शियम कैसे देते हैं, कब देते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और जैसा आप स्क्रीन पर देख ही रही है कि मैंने मटके वगैरह लगा रखी है, तो ब्रीडिंग सीजन आ गया है और कुछ फीमेलों ने मटके सेलेक्ट कर ली है और कुछ फीमेलें मटके सेलेक्ट अभी करने वाली है। तो दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन में हमें अपनी ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने बर्ड्स को कैल्शियम और विटामिन की ज़रूरत पूरी करने की, जिससे इनकी ज़रूरत पूरी हो सके और ये अच्छी ब्रीड कर सके और अच्छे से अपने बच्चों की केयर कर सके। और वैसे तो हम इन्हें जो डाइट वगैरह सॉफ्ट फूड वगैरह देते हैं, इनसे इन्हें थोड़ा बहुत कैल्शियम मिल जाता है, पर ब्रीडिंग सीजन में हमें इन्हें अलग से देना होता है जिससे इन्हें ब्रीडिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मैं अपने बर्ड्स को कैल्शियम कैसे देता हूं, किस तरीके से देता हूं। तो वीडियो आपको दोस्तों पूरी देखनी है जिससे आपको भी पता लग सके कि किस तरह से हम अपने बर्ड्स को कैल्शियम वगैरह देते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि अपने बर्ड्स को कैल्शियम विटामिन देने से क्या फ़ायदा होता है। पर ऐसा होता है कि हमारे बर्ड्स के जो बच्चे निकलते हैं वो बिल्कुल कंडम ही बच्चे निकलते हैं। उनके आधे फेदर होते हैं, आधे फेदर नहीं होते हैं और बिल्कुल ही अच्छे नहीं होते हैं और उनकी हाइट भी छोटी ही रह जाती है। और अगर हम इन्हें सही से कैल्शियम देंगे तो पर न आने की समस्या नहीं रहती और इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। और दोस्तों, दूसरा फ़ायदा ये है कि जो अंडे का जो साइज होता है वो सही रहता है, वो छोटा नहीं रहता और अंडे से जो बच्चा निकलता है वो सही तरीके से निकलता है। बच्चे को अंडे से बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती। और अंडे का जो एक सेल होता है, अंडे की जो ऊपर की परत होती है वो सही रहती है, उसमें डेड सेल की दिक्कत नहीं रहती है। और आपके बर्ड्स में भी अगर कैल्शियम विटामिन्स की कमी नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को भी अच्छे से पालेंगे और अच्छे से उनकी केयर करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ मैं अपने बर्ड्स को कैसे कैल्शियम देता हूँ। हमेशा ही मैं तीन चीज़ें अपने बर्ड्स की कॉलोनी में रखता हूँ। पहला है कैल्शियम ब्लॉक, दूसरा है कटल फिश बोन और तीसरा है दोस्तों अंडों के छिलके का पाउडर। और ये कैसे देते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कटल फिश बोन, जिसे हम समुद्री झाग के नाम से भी जानते हैं, और कटल फिश बोन जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे बर्ड्स के कैल्शियम के लिए। इसमें प्योर कैल्शियम होता है, यह आपको आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाता है और इसको आपको लाकर अपने बच्चीज की कॉलोनी या केज में रखना होता है और जब भी आपके बर्ड्स का मन होता है वो इसे आसानी से खा लेता है। दोस्तों, दूसरा जो सोर्स है वो है अंडों के छिलकों का पाउडर। ये तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों, अगर आप एग खाते हैं तो आपको एग के छिलके को इकट्ठा कर लेना है और उसको अच्छे से साफ़ करके धोकर सुखा लेना है। और दोस्तों, उसके बाद आपको मिक्सी या अन्य तरीके से उसे पीस लेना है और उसका अच्छे से बारीक पाउडर बना लेना है। और इसके बाद जब आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड वगैरह दे रहे होते हैं तो आपको इस पाउडर को थोड़ा सा सॉफ्ट फूड पे छिड़क देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और उसके बाद आप सॉफ्ट फूड को बर्ड्स को खाने के लिए देना है, इसको भी अच्छी तरीके से खाते हैं। और तीसरा, मैं अपने बर्ड्स को कैल्शियम ब्लॉक देता हूँ। दोस्तों, अपनी कॉलोनी या केज में आपको कैल्शियम ब्लॉक रख देने हैं। बर्ड्स का जब भी मन होता है वो इसके पास आकर इसको खा लेते हैं। और दोस्तों, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं कॉलोनी में नेचुरल माहौल बनाकर रखूं जिससे इन्हें कॉलोनी में रहने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो और ब्रीड करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और दोस्तों, वैसे तो ये सब चीज़ें मैं इन्हें देता ही हूं और साथ में इन्हें विटामिन और कैल्शियम का कोर्स भी कराता हूँ। और विटामिन के लिए मैं इन्हें वाइमेराल, जिसे हम विमरल नाम से भी जानते हैं, वो देता हूँ। और वो दोस्तों, मैं इन्हें आधे लीटर पानी में 1.5 ml देता हूँ। और कैल्शियम के लिए मैं इन्हें ऑस्टोवेट कैल्शियम देता हूँ। और ऑस्टोवेट कैल्शियम मैं किस तरह देता हूँ, दोस्तों मैं आधा लीटर पानी में 2.5 ml का इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं अपने बर्ड्स को कैल्शियम और विटामिन्स देता हूँ, इस तरीके से अपने बर्ड्स को कैल्शियम और विटामिन्स का कोर्स कराता हूँ और ये अच्छे से मेरे पास रह रहे हैं और अच्छे से अपनी ब्रीड वगैरह कर रहे हैं। तो और दोस्तों, आपको वीडियो में अच्छे से पता चल गया होगा कि मैं किस तरीके से अपने बर्ड्स को कैल्शियम विटामिन्स का कोर्स कराता हूं। और दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसे ही नए नए टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा।